बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी रूट प्रेशर, अ सेकंड फोर्स व्हिच इज इन्वॉल्व्ड इन द एसेंट ऑफ सैप। इससे पहले हम एसेंट ऑफ सैप पढ़ रहे थे और उसमें हमने एसेंट ऑफ सैप को एक्सप्लेन करने के लिए पहली थ्योरी कोहेजन टेंशन थ्योरी पढ़ी थी, ट्रांसपिरेशन पुल का मैकेनिज्म पढ़ा था। एसेंट ऑफ सैप में इन्वॉल्व जो सेकंड फोर्स है वो रूट प्रेशर है। सेकंड फोर्स इन्वॉल्व इन द मूवमेंट ऑफ वाटर एंड डिजॉल्व मिनरल्स अप इन द जाइलम टिश्यू इज द रूट प्रेशर। हाउ इज रूट प्रेशर क्रिएटेड? आप ये रूट डाइकॉट रूट का इंटरनल स्ट्रक्चर देख सकते हैं। सबसे बाहर सिंगल लेयर ऑफ सेल एपिडर्मस, उसके नीचे कॉर्टेक्स पैरेन्काइमा सेल होते हैं, फिर एंडोडर्मस की लेयर और उसके अंदर की तरफ जाइलम और फ्लोएम। ये स्टार शेप जाइलम और ये वाले फ्लोएम। There is active secretion of solutes from the other cells into the xylem tissues. जो रूट के बाकी मादा सेल्स हैं जैसे कॉर्टेक्स है, एंडोडर्मस है, वहां से सोल्यूट्स आयंस एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए xylem सेल्स के अंदर एंटर होते हैं। ये जो रेड एरोज हैं ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सोल्यूट इनटू द जाइलम टिश्यूज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एंड ड्यू टू द एक्टिव सेक्रेशन ऑफ साल्ट इन द जाइलम टिश्यूज, वाटर पोटेंशियल इन द जाइलम सेल डिक्रीजेस। जब जाइलम सेल में वाटर पोटेंशियल कम होता है तो वाटर फ्रॉम द नियर बाई tissues enter the xylem cells by osmosis. Active secretion of salt के बाद xylem tissue के अंदर जब water potential कम होता है तो उसको compensate करने के लिए जो करीब वाले cells होते हैं वहां से water osmosis के जरिए xylem cells में enter हो जाता है। ये जो blue arrows हैं ये osmosis of water को represent कर रहे हैं। पहले active secretion of salts होती है into the xylem tissues, उसके पीछे ओस्मोसिस ऑफ वाटर इनटू द जाइलम टिश्यूज। एज अ रिजल्ट सैप इन द जाइलम टिश्यू राइजेस। जाइलम टिश्यू के अंदर जो सैप होता है, जो सॉल्यूशन होता है, वो राइज अप हो जाता है। एंड ड्यू टू द एंट्री ऑफ वाटर इन द जाइलम टिश्यू अ हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इज प्रोड्यूस हियर। जाइलम टिश्यू के अंदर एक हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बनता है, वो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो है वो रूट प्रेशर कहलाता है। एंड इट पुशेस द वाटर अपवर्ड टुवर्ड्स द लीफ। और ये जो प्रेशर रूट की जाइलम के अंदर क्रिएट होता है वो वाटर को नीचे से ऊपर की तरफ पुश करता है। तो रूट प्रेशर जो है ये पुशिंग फोर्स है जो रूट के अंदर डेवलप होती है और वो वाटर को, द रिजॉल्व साल्ट को नीचे से ऊपर की तरफ पुश करती है। हमारी बुक वाला इसको कैसे लिखता है, रूट प्रेशर इज क्रिएटेड by the active secretion of salts and other solutes from the other cell into the xylem sap. ये वाली बात जो मैंने कहा कि red arrows हैं, ये active secretion of solutes and salts from the other cell into the xylem tissues. This lowers the water potential of the xylem sap, जिसकी वजह से xylem sap के अंदर water potential कम हो जाता है। Water potential कम होने की वजह से water enter the xylem cell by osmosis, thus increasing the level of sap in the xylem cells. Active secretion of salts ke baad water potential xylem tissues ke andar kam hone ke baad nearby cell se water osmosis ke zariye enter hota hai, jiski wajah se xylem tissue ke andar sap rise hota hai. Water entering the xylem cells may take apoplast pathway, symplast pathway, vacuolar pathway. Baaki cells se जाइलम सेल के अंदर वाटर की एंट्री किसी भी पाथवे के जरिए हो सकती है, एपोप्लास पाथवे, सिंप्लास पाथवे, वेक्यूलर पाथवे, जिसकी हम डिटेल पहले पढ़ चुके हैं।
इंक्रीजिंग द हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इन द सेल्स, यानी जाइलम सेल के अंदर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ जाता है. दिस हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इज द रूट प्रेशर दैट पुशेस द वाटर अपवर्ड. तो पहली बात हमने ये समझने की कोशिश की, हमें ये बताई गई कि रूट प्रेशर इज द सेकंड फोर्स विच इज इन्वॉल्व इन द एसेंट ऑफ सैप. द हाउ इज रूट प्रेशर क्रिएटेड? रूट प्रेशर इज क्रिएटेड ड्यू टू द एक्टिव सेक्रेशन ऑफ सॉल्ट्स एंड अदर सॉल्यूट इन द जाइलम सेल्स. एज अ रिजल्ट वाटर पोटेंशियल इन द जाइलम सेल डिक्रीजेस एंड कंसिक्वेंटली द वाटर फ्रॉम द अदर सेल enters the xylem cell by osmosis. As a result of this entry of water into the xylem tissues, sap in the xylem rises and hydrostatic pressure is increased, and this hydrostatic pressure is called root pressure, which pushes water upward. Then limitation of root pressure. As a result of root pressure, the sap in the xylem does not rise to enough height in most plant. Root pressure की वजह से xylem के अंदर जो sap है वो इतना ज्यादा rise नहीं करता कि वो plant में required height तक पहुंच जाए, enough height तक नहीं पहुंचता. As a result of root pressure, the sap in the xylem does not rise to enough height in most plants. दूसरा, root pressure is also least effective during the day. Least effective, yani root pressure jo hai wo din ke waqt itna effective nahi hota kyunki us waqt transpiration badi tezi se ho rahi hoti. Root ke andar itna pressure nahi banta. When transpiration pull is the active force involved in the pulling the sap in the xylem cells upward. Root pressure din ke waqt लीस्ट इफेक्टिव होता है, बहुत कम इफेक्टिव होता है, और उस वक्त ट्रांसपिरेशन पुल ही एक एक्टिव फोर्स होती है जो जाइलम सेल के अंदर सैप को ऊपर की तरफ पुल कर रही होती है. अब ये मैग्नीट्यूड जो मेजर किया गया है रूट प्रेशर का वो कितना है? इट हैज बीन एस्टिमेटेड दैट पॉजिटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ऑफ अराउंड 100 to 200 किलो पास्कल and exceptionally 800 kilopascal is generated by the root pressure. Root pressure ki wajah se jo positive hydrostatic pressure banta hai uski measurement jo hai wo 100 se 200 kilopascal aur kabhi kabhar ye ho sakta hai ki 800 kilopascal ho jaye, lekin ye magnitude itna nahi hai ki water ko wo required height tak pahuncha sake, enough height tak pahuncha sake. Although root pressure does exist, root pressure का वजूद है, root pressure exist होता है, root pressure create होता है, ये एक contributory force जरूर है. Ascent of sap में इसकी contribution है, ascent of sap में इसका role है, लेकिन ये कहना कि सारे के सारा water नीचे से ऊपर की तरफ root pressure के जरिए move करता होगा, ये बात ठीक नहीं लगती. The pressure mentioned above, यानी जो 100 to 200 किलो पास्कल जो है, is not enough to push water upward to required height in most plants. ये इतना नहीं होता कि वो required height तक water को ऊपर पहुंचा सके. But it is no doubt a contributing factor in plants which transpire slowly and where the size is small. वो प्लांट्स जिनका साइज कम होता है, जिनमें ट्रांसपिरेशन कम होती है, वहां ये एक कंट्रीब्यूटिंग फोर्स जरूर है. रूट प्रेशर एसेंट ऑफ सैप में हेल्प जरूर करती है, लेकिन इट इज नॉट द एलोन फोर्स विच इज इन्वॉल्व इन द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड डिसॉल्व सॉल्ट्स. इसी तरीके से इसी तो आर्टिकल के अंदर एक और फिनोमिना का जिक्र किया है, ग्यूटेशन, which is related to root pressure. Actually, ये gutation का phenomena ये बात बताता है कि root pressure does exist. Root pressure exist करता है. ये gutation है क्या? Closely associated with the root pressure is a phenomena called gutation or exudation. Gutation is a loss of liquid water through the water secreting glands or hydathores.
तो लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स, एंड दिस लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड ग्यूटेशन. याद रखें, इट इज डिफरेंट फ्रॉम ट्रांसपिरेशन. ट्रांसपिरेशन इज द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, जबकि ग्यूटेशन इज द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट. और ट्रांसपिरेशन हमने कहा था कि ज्यादातर स्टोमेटा के जरिए होती है. ग्यूटेशन डज नॉट कैरी थ्रू स्टोमेटा. ग्यूटेशन के लिए सेपरेट पोर्स हैं, जिनको वाटर सेक्रेटिंग ग्लैंड्स या हाइडा थ्रोट्स कहते हैं. ग्यूटेशन इज अ लॉस ऑफ लिक्विड वाटर थ्रू वाटर सेक्रेटिंग ग्लैंड्स और हाइडा थ्रोट्स. वो कहते हैं द ड्यू ड्रॉप्स दैट कैन बी सीन इन द टिप्स ऑफ ग्रासेस, ग्रासेस के टिप्स के ऊपर, ग्रासेस ग्रास लीव्स के टिप्स के ऊपर, स्ट्रॉबेरी लीव्स के ऊपर, जो जो हमें ड्यू ड्रॉप्स नजर आती है, जो शबनम के कतरे नजर आते हैं, वो एक्चुअली ग्यूटेशन ड्रॉपलेट्स होते हैं एक्सुडेड फ्रॉम द हाइडाथोर्स. ये ग्यूटेशन ड्रॉपलेट होते हैं जो हाइडाथोर्स के जरिए बाहर निकले हुए होते हैं. ये आपको स्ट्रॉबेरी लीफ दिखाया गया और स्ट्रॉबेरी लीफ के मार्जिन पे ये वाटर ड्रॉप्स नजर आ रहे हैं. ये असल में ग्यूटेशन ड्रॉपलेट्स हैं जो हाइडाथोर के जरिए बाहर निकले. आप ये एक लीफ देख सकते हैं, लीफ के मार्जिन पे ये हाइडाथोर्स, और यहाँ सेक्शन काट के दिखाया गया है. ये पोर्स इस जगह पर एपिडर्मल सेल में मौजूद है. इन पोर्स के जरिए वाटर जो है वो बाहर निकलता है. ये हाइडाथोर्स हैं, दे आर नॉट एसेंशियली स्टोमेटा. तो पहली बात ये हुई कि ग्यूटेशन इज द लॉस ऑफ लिक्विड वाटर थ्रू द वाटर सेक्रेटिंग ग्लैंड्स आर हाइडाथोर्स. ग्यूटेशन और एक्सुडेशन इज मोर नोटेबल व्हेन ट्रांसपिरेशन इज सुप्रेस्ड एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज हाई, जैसा कि रात के वक्त होती. ग्यूटेशन या एक्सुडेशन ज्यादातर उस वक्त नोटिस में आती है, उस वक्त ज्यादातर होती है जब ट्रांसपिरेशन ना हो रही हो, ट्रांसपिरेशन सुप्रेस हो और हवा में नमी रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो ज्यादा हो, जैसा कि रात में होता है. द ग्यूटेशन इज इन फैक्ट ड्यू टू पॉजिटिव प्रेशर, द रूट प्रेशर डेवेलप इन द जाइलम टिश्यू ऑफ द रूट. ये जो वाटर लिक्विड की शक्ल में बाहर निकलता है, यकीनन कोई ऐसी फोर्स होगी रूट के अंदर जो वाटर को नीचे से ऊपर को धकेलती है, और उस फोर्स का नाम है रूट प्रेशर. इसलिए ग्यूटेशन का फिनोमिना ये इस बात की सपोर्ट है कि रूट प्रेशर डज एक्सिस्ट. यकीनन कोई चीज तो होगी ना जो रूट के अंदर डेवलप होती है, जो वाटर लिक्विड वाटर को ऊपर धकेल देती है और लिक्विड वाटर बाहर निकलता है, तो यकीनन वो रूट प्रेशर होगा. इसलिए ग्यूटेशन का फिनोमिना टेल्स अस दैट रूट प्रेशर डज एग्जिस्ट, रूट प्रेशर होता. इसके बाद इसी की कंटिन्यूटी एसेंट ऑफ सैप की एक और आर्टिकल, इम्बाइबिशन. दिस इज द थर्ड फोर्स विच इज इन्वॉल्व्ड इन द एसेंट ऑफ सैप. अनदर इंपॉर्टेंट फोर्स इन द एसेंट ऑफ सैप इज इम्बाइबिशन. सैप एक साइंटिस्ट था, 1874. She suggested that the water molecule move along the cell wall of the xylem vessel due to imbibition. उसने कहा कि water molecule जो हैं वो xylem vessel की दीवारों के साथ creep करते करते, move करते करते ऊपर चढ़ जाते हैं. और ये creeping, ये जो movement है, ये imbibition की वजह से होती है. सैक ने 1874 में सजेस्ट क्या किया कि वाटर मॉलिक्यूल्स मूव अलोंग द सेल वॉल ऑफ द जाइलम वेसल ड्यू टू इम्बाइबेशन. व्हाट इज इम्बाइबेशन? सम कंपोनेंट्स ऑफ सेल वॉल सच एज सेलुलोज, पेक्टिन, लिग्निन, ये सेल वॉल कंपोनेंट है, दे टेक अप वाटर, वो अपने अंदर वाटर ले जाते हैं. एज ए रिजल्ट इंक्रीज इन वॉल्यूम, उसका उनका वॉल्यूम बढ़ जाता है. बट द कंपोनेंट्स डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर, वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होते. दिस इज कॉल्ड इम्बाइबेशन. तो इम्बाइबेशन इज अ फिनोमेना इन विच सम सब्सटेंसेस सच एज सेल वॉल कंपोनेंट, सेलुलोज, पेक्टिन, लिग्निन, दे टेक अप वाटर एंड देयर वॉल्यूम इंक्रीजेस बट दे डू नॉट डिसॉल्व इन इट. दिस इज कॉल्ड इम्बाइबेशन. बायोलॉजिकल एडवांटेज ऑफ इम्बाइबेशन. इम्बाइबेशन की बायोलॉजिकल एडवांटेज क्या है?
फोर्स फॉर द एसेंट ऑफ सेल्फ। पहली बात यह है कि इम्बाइबेशन प्रोवाइड अ फोर्स फॉर द एसेंट ऑफ सेल्फ। द अमाउंट ऑफ अट्रैक्शन एंड इंक्रीज ऑफ डाई सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल एंड ऑफ द प्रोटोप्लाज्म फॉर वाटर इज ऑफन वेरी ग्रेट एंड कंसिडरेबल इम्बाइबेशन फोर्स मे बी डिवेलप इन द प्लांट बॉडी। कह रहा है कि वाटर की सेल वॉल के कंपोनेंट के साथ अट्रैक्शन है जिसकी वजह से सेल वॉल के कंपोनेंट वाटर को टेकअप कर लेते हैं, उनका वॉल्यूम बढ़ जाता है, प्रोटोप्लाज्म का वॉल्यूम बढ़ जाता है और उस वजह से अच्छी खासी फोर्स क्रिएट हो जाती है जिसको इम्बाइबेशन फोर्स कहते हैं और वो वाटर को नीचे से ऊपर की तरफ पुश करने में मदद देती है। इम्बाइबेशन इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस एंड व्हेन वाटर इज लॉस्ट द ओरिजिनल वॉल्यूम द सेल वॉल एंड द प्रोटोप्लाज्म इज रिस्टोर्ड। इम्बाइबेशन रिवर्सिबल प्रोसेस, जब वाटर निकल जाता है तो सेल वॉल और प्रोटोप्लाज्म का ओरिजिनल जो वॉल्यूम है वो रिस्टोर हो जाता है। तो याद रखना है जो बायोलॉजिकल एडवांटेज है इम्बाइबेशन का वो ये है कि इम्बाइबेशन प्रोवाइड अ सोर्स फॉर द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड डिसॉल्व सॉल्ट्स। दूसरा, अपटेक ऑफ वाटर बाय द प्लांट रूट्स। The root cell wall imbibe water from the soil and this water moves by apoplast pathway jisko hum pehle pad chuke hain. To dusra imbibition ka advantage ye hai ki uptake of water hota hai, root take up water from the soil due to imbibition. Jo root ki cell wall ke component hai they take up water, they imbibe water from the soil and then this water moves along the apoplast pathway. ye apoplast pathway ke zariye water ka move hona ye imbibition ki wajah se hai kyunki water jo hai wo cell wall ke component usko water ko absorb karte karte aage se aage le jate hain. aur tisra advantage seed ki germination. the uptake of water by imbibition is especially important in seed germination. When seeds are sown in the soil, these seeds take up water from the soil and their volume increases up to 200 times. जब seeds को हम soil में sow करते हैं तो seed का जो testa होता है वहां जो cell wall की components है cellulose lignin, seed water को imbibe करता है, water को take up कर लेता है और उसका वॉल्यूम जो है वो 200 टाइम इंक्रीज हो जाता है इम्बाइबेशन की वजह से, जिसकी वजह से सीड कोट रप्चर कर देता है एंड मेक द जर्मिनेशन ऑफ सीड्स इफेक्टिव। और सीड कोट रप्चर होता है तो उसमें से एम्ब्रियो बाहर आता है, सीड की जर्मिनेशन इफेक्टिव होती है। तो हमने ये पढ़ा कि इम्बाइबेशन क्या होती है। इम्बाइबेशन इज द फिनोमेना बाय विच सम कंपोनेंट of cell wall take up water, their volume increases but they do not dissolve in it. aur phir humne ye bhi padha ki imbibation ka role kya hai. imbibation is a force for the ascent of sap, third force which is suggested by the sap. iske alawa imbibation also help in the uptake of water by the roots. aur teesri baat humne padhi ki it also help in the germination of seeds. then एक और फिनोमिना हम प्लांट के हवाले से जहां पढ़ते जाएं, ब्लीडिंग। ये ब्लीडिंग इन प्लांट्स है, दिस इज डिफरेंट फिनोमिना। सम टाइम इट सो हैपन दैट सर्टेन प्लांट्स व्हेन कट प्रून्ड और टैप्ड और अदरवाइज वाउंडेड शो अ फ्लो ऑफ सैप, दिस इज वर्ड फ्लो ऑफ सैप फ्रॉम द कट एंड्स और सरफेस quite often with a considerable force. This flow of sap from the injured part of the plant is called bleeding. ye plant ke kisi part ke stem ko cut lagaya gaya aur usme se white sa liquid bahar nikal raha hai, this is bleeding. isi tarike se bahut sare palm plants jo hain उनके स्टेम के ऊपर कट लगाया जाए तो उनमें से लिक्विड मुख्तलिफ कलर का बाहर निकलता है। ये जो इंजर्ड पार्ट से वाउंडेड पार्ट से लिक्विड का बाहर निकलना है, दिस इज कॉल्ड ब्लीडिंग।
याद रखें दिस इज डिफरेंट फ्रॉम हाइडा थोट्स, जो हाइडा थोट्स जो हैं, सॉरी जो थी ग्यूटेशन, ग्यूटेशन से ब्लीडिंग डिफरेंट है। ग्यूटेशन में वाटर, लिक्विड वाटर बाहर निकला था फ्रॉम द हाइडा थोट्स, वो अनइंजर्ड पार्ट थे, नेचुरली अकरिंग पोर्स है लीफ के अंदर। लेकिन ये जो ब्लीडिंग है, इट इज द लॉस ऑफ लिक्विड फ्लो ऑफ लिक्विड फ्रॉम द कट सरफेस ऑफ द प्लांट, जो इंजर्ड पार्ट होता है उससे लिक्विड बाहर निकलता है। हमारी बुक वाला कैसे लिखता है, हमारी बुक वाला लिखता है कि व्हेन सम प्लांट्स आर कट प्रूनड टैप्ड, सारे वर्ड सिनोनिम, टैप के लिए प्रून, टैप कट, इंजर्ड के लिए वर्ड, वाउंड के लिए लफ्ज इस्तेमाल हुए। तो व्हेन सम प्लांट्स आर कट, there is a flow of sap from the cut end or surface quite often with a considerable force. जो cut end है, जो cut surface है, उससे liquid का, sap का flow होता है अच्छी खासी force के साथ। ये जो flow of sap है from the cut end, from the injured surface of the plant, this is called bleeding. It is often seen in many land plants in spring, particularly grapevines, some palms, sugar maple. किन किन प्लांट्स में ऐसा होता है और कब होता है? आमतौर पर स्प्रिंग में, ग्रेप वाइन्स में, पाम्स में और शुगर मैपल्स में। ऑल्दो द फ्लो ऑफ सैप इज ऑर्डिनरी स्लो, अगरचे कहता है कि सैप का फ्लो काफी स्लो होता है, लेकिन फिर भी अ कंसिडरेबल क्वांटिटी ऑफ सैप विद इन द 24 आवर कम्स आउट ऑफ द प्लांट, फिर भी 24 घंटों में अच्छा खासे सैप की क्वांटिटी जो है वो बाहर आ जाती है। और उसकी एग्जांपल दे रहा है कि इन सम प्लांट्स व्हेन, इन सम पाम्स व्हेन टैप्ड, देयर मे बी अ फ्लो ऑफ सैप टू एक्सटेंट ऑफ 10 टू 15 लीटर पर डे। कुछ पाम्स में, खजूर के दरख्तों में जो है, कुछ पाम्स में खजूर की तरह के जितने भी ट्रीज होते हैं उनके लिए लफ्ज पाम इस्तेमाल होता है, जब उनको कट लगाया जाए तो एक दिन में 10 से 15 लीटर सैप जो है वो बाहर निकल आता है। इस सैप में होता क्या? The sap in such plant contains sugars, waters, in addition to organic and inorganic substances. तो इंडियन कॉन्टिनेंट्स में अक्सर जो पाम्स के ट्रीज होते हैं, पाम्स के दरख्त उनके हैं, उनके ऊपर कट लगाए जाते हैं और उनके साथ कोई बर्तन बांध दिया जाता है और वो जो सैप है उस बर्तन के अंदर कलेक्ट होता है, उससे वो शक्कर, गुड़ और चीनी बनाने के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उस सैप के अंदर अच्छी खासी शुगर होती है। अब ब्लीडिंग की वजह क्या है? There are two main factors responsible for bleeding. Hydrostatic pressure in the xylem and phloem. Xylem phloem के अंदर जो वाटर प्रेशर होता है वो वजह हो सकती है, वो फैक्टर हो सकता है। और द रूट प्रेशर विच इज एक्सर्टेड बाय द xylem टिश्यू ऑफ द रूट। और दूसरा जो रूट के जाइलम टिश्यूज में रूट प्रेशर एग्जर्ट होता है वो उस ब्लीडिंग की वजह बन सकता है। तो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम टुडे। थैंक यू वेरी मच।